पिछले कुछ दिनों से मैं डेटा 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 कर रहा हूँ और डेटा की टाइप्स आपको पढ़ा रहा हूँ, डेटा एनालिस्ट बना रहा हूँ और आपको पढ़ा पढ़ा के समझा रहा हूँ कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सियाने ने बोला है कि डेटा इज न्यू ऑयल और एक और सियाने ने बोला है कि डेटा को जितना टॉर्चर करोगे उससे जो मर्जी कुछ बुलवा सकते हो। मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। अब आप खुद सोचें कि डेटा अगर इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो डेटा हर जगह पे स्कैटर्ड हुआ पड़ा है। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर्स आप सुन रहे हैं, ये डेटा है। मैं टेक्स्ट लिख के आपको बताता हूँ कि तब हमारी मीटिंग होगी, ये डेटा है। हमारी वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है, आप वहां पे जाके डिफरेंट किस्म के स्क्रोल डाउन करते हैं, वहां पे इनरोल होते हैं, तो ये भी डेटा है। हर किस्म के डेटा से दुनिया भरी पड़ी है। कुछ डेटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर हमारे पास मौजूद होता है जैसे कि एक्सेल की शीट, कुछ डेटा स्कैटर्ड फॉर्मेट में हमारे पास मौजूद होता है जैसा कि वीडियो ऑडियो या तस्वीरें, और कुछ डेटा सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमारे पास होता है। ये तीनों डेटा की टाइप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बिलीव मी अगर आप अब समझ लेंगे लेटर ऑन आपके लिए आसानियां होंगी। लेट्स जंप इनटू इट। स्क्रीन आपके सामने हाजिर है, यहां पे आपके सामने जो डेटा की टाइप पहली मैं देखने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ऐसा डेटा दैट डजंट फिट इनटू अ कन्वेंशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। कोई भी कन्वेंशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर यानी कि एक्सेल की शीट, स्प्रेडशीट, डेटाबेस के रिकॉर्ड्स, एसक्यूएल या व्हाटएवर द स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा इज, लाइक टेक्स्ट का डेटा, वीडियो का डेटा या ऑडियो का डेटा, इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। यानी कि ये डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट और सम काइंड ऑफ स्टोरेज थिंग्स। ऑब्वियसली आप यूएसबी में स्टोर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्चुअली अरेंज दैट, और अरेंज करने वाले डेटा को हम स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के डेटा यहाँ पे क्लियर है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड में वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया की पोस्ट और इस तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। दिस इज रिच इन इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्स्ट, आइडियल फॉर AI एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये रिच इन कॉन्टेक्स्ट होता है क्योंकि इसमें एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे इजीली जाते हैं और आपके पास हर एक किस्म का डेटा अवेलेबल है ओपन सोर्स, और आप इस पे एनालिसिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब ही ले लें, आपके पास मिलियंस या बिलियंस की तादाद में यूट्यूब वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप ऑडियो की बात करें तो आप अपने ही व्हाट्सएप के ऑडियो निकाल के एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस की, आप रिकॉर्डिंग्स की बात करें या सोशल मीडिया की पोस्ट की बात करें, जब से आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं यू कैन एनालाइज योर डेटा एज वेल, आप वहां से उनसे वो डेटा मंगवा भी सकते हैं। ऑन द अदर साइड दिस इज चैलेंजिंग टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज। ऑब्वियसली वीडियो का डेटा उठा के आप सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट उसका ले सकते हैं, लेकिन उसको एनालाइज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कंप्यूट पावर चाहिए होगी और बहुत ज्यादा एडवांस प्रोसेसिंग टूल्स चाहिए होंगे टू एनालाइज दिस काइंड ऑफ डेटा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप स्टार्ट कहां से करें, स्ट्रक्चर्ड डेटा से। अब हमारी जो अगली टाइप है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसा डेटा जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, दैट कैन इजीली बी स्टोर्ड एंड क्यूरीड इन अ डेटाबेस। यानी कि एसक्यूएल का डेटाबेस, आपके पास एक्सेल की शीट का डेटाबेस, या आपके पास अगर कोई स्प्रेडशीट है फॉर एग्जाम्पल गूगल शीट, तो आप उसके अंदर भी काम कर सकते हैं। और ये कॉलम्स के अंदर मौजूद होता है विद रोज। ठीक है, सो इस किस्म का डेटा जो है वो डेटाबेस रिकॉर्ड्स के अंदर होता है, एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर होता है, या गूगल की शीट्स के अंदर भी हो सकता है, या इस किस्म के और भी जो टूल्स हैं उनके अंदर ये हो सकता है। इजी टू एक्सेस है, मैनिपुलेट करना आसान है, आइडियल फॉर ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर किस्म के आइडियल ट्रेडिशनल डेटाबेस के लिए, खासतौर पे वेबसाइट्स के ऊपर ये वाला एसक्यूएल का डेटाबेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं या उस पर काम करते हैं। दिस में लैक फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी इनसफिशियंट फॉर कम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस। ऑब्वियसली अगर आपके पास डेटा इनसफिशियंट होगा, तीन चार रोज का डेटा, दैट इज नॉट इनफ टू एनालाइज दिस काइंड ऑफ डेटा, और से आप कोई भी डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर सकते। सेमी स्ट्रक्चर डेटा तीसरी टाइप है जो ब्लेंड होता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का, लाइक जेसोन या XML फाइल, और जेसोन और XML फाइल्स के ऊपर भी हम काम करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। एंड दिस इज द बैलेंस दिस बैलेंस इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आपकी हर एक अनस्ट्रक्चर्ड फाइल का मेटा डेटा जो होता है वो उसके अंदर स्टोर होता है, और आपकी वीडियो फाइल का लिंक भी वहां पे मौजूद होता है। दिस इज आइडियल फॉर वेब डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो पीछे उसके एसक्यूएल डेटाबेस चल रहा है और वीडियो का लिंक साथ में पेस्ट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। दिस कैन बी चैलेंजिंग टू पार्ट्स, रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग टूल्स। ऑब्वियसली ये डेटा बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसको ऑर्गेनाइज करना, और आपके लिए बहुत ज्यादा
एक हेल्पफुल टूल की जरूरत होती है इसको एनालिसिस या इसको स्टोर करने के लिए। जेसन फाइल और एक्सएमएल फाइल या आपकी जितनी भी इस किस्म की फाइल्स होती हैं, यू कैन स्टोर इनटू अ वेबसाइट और आप उस वेबसाइट की बेस पे स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को लिंक कर पाते हैं। ये तीन किस्म की डेटा टाइप्स, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों के अंदर हम इन पे काम करने वाले हैं। खास तौर पे स्ट्रक्चर्ड डेटा पे हम बहुत ज्यादा टाइम सर्व करेंगे और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे कुछ टाइम सर्व करेंगे इन लास्ट डेज ऑफ आवर समर बूट कैंप। अपना ख्याल रखें, क्यों? क्योंकि ये समर का बूट कैंप जून जुलाई अगस्त 2024 के अंदर चल रहा है। अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट सेक्शन में भी होगा, और आप अभी से रजिस्टर करवा सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस सिर्फ फ्यू सीट्स के लिए अवेलेबल है, देन वी विल एक्चुअली रिमूव द डिस्काउंट। अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। नाउ टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।